हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो V30 प्रो फ़ोन है, तो वीवो V30 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में रैम वगैरह को कैसे बढ़ा सकते हैं और फ़ोन की रैम को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं वीवो V30 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन की रैम को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और फ़ोन की रैम कैसे बढ़ा सकते हैं वीवो V30 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन की रैम इंक्रीज़ कैसे कर पाएंगे वीवो V30 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि रैम को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और फ़ोन की रैम कैसे बढ़ा सकते हैं वीवो V30 प्रो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे आपको जाना होगा और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो रैम वगैरह को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और फ़ोन की रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है, आप देख सकते हैं। तो आपको जाना होगा यहाँ से रैम एंड स्टोरेज सेटिंग्स पे। तो रैम एंड स्टोरेज सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन की रैम को आप बढ़ा सकते हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो देख सकते हैं कि आपके पास रैम ऑप्शंस आ रहा है, जिसके ज़रिए रैम को इंक्रीज़ कर पाएंगे। सिंपली बस इसको ऑन कर देना है, जिससे आपकी फ़ोन की रैम आपके फ़ोन में इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे अगर आप फ़ोन को रिस्टार्ट ना करते हैं, तो रिस्टार्ट ना करते हैं तो आपकी जो फ़ोन की रैम है आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से भी फ़ोन की रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में और फ़ोन की रैम को बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन में और रैम को इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।